अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने जमान में रखे। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि रुखसाना ब्लॉग में आज मैं खड़ा हूँ। वो रुखसाना मेरी मम्मी है। तो आज मम्मी की तबीयत इतनी ठीक नहीं है। बिरयानी आज फ्राइडे, राफी रुको, आज है फ्राइडे, तो हर फ्राइडे हमारे घर लाजमी जो मर्जी हो जाए बननी बिरयानी है। तो मैंने मम्मी को कहा कि मैं बनाता हूँ, आपके साथ हेल्प करवा देता हूँ। तो आए आपको मैं दिखाता हूँ। राफी इधर रखो, ये देखिए आप सब, ये चिकन का पेस्ट वगैरह है, ये चिकन डाला हुआ है, चिकन और प्याज बिरयानी के लिए, और ये मेहरान का मसाला है, ये स्पेशल बम्बई बिरयानी मसाला, बहुत मज़े की, सबसे मज़े की बिरयानी मेहरान की बनती है। पहले हम शान यूज़ करते थे लेकिन हम मेहरान करते हैं, जब से मेहरान का खाया बस इसी का यूज़ होता है। ये मसाला डाला हुआ है और ये मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ है और ये चावल भरे हैं जी। तो आप दिखाएँ सब इधर, ये ऐसी वैसी वैसे बात कोई नहीं है, मुझे भी कुकिंग आती है। जब ये मम्मी भी आ गई हैं। हाय, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज वाकई मेरी तबीयत बहुत ख़राब है क्योंकि सुबह जब मैं उठी हूँ ना, बल्कि उठी तब जब मुझे वॉमिटिंग की फीलिंग आ रही थी, तो मैं फिर फौरन भाग गई वॉशरूम में। अच्छा, तो मुझे वॉमिटिंग आने लगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। राफी तुम बाहर निकलो बेटा, यहाँ पे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो आज फ्राइडे को बिरयानी बनती है, तो अंजल कहता है कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ। हेल्प कर रहा है, अल्लाह का शुक्र है, और ये कुकिंग कर लेता है ना। जब मैं उम्र पे गई थी, राफी 2.5 साल का था, तो तब से इसको कुकिंग आती है, अपना चाय पराठा वगैरह, बर्गर और ऑमलेट वगैरह ऐसी चीज़ें बना लेता है। और वैसे भी इसको एक बात बता दूँ ना, तो ये बना लेता है, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो इसको कहती हूँ चावल बना रहा हूँ, तुम्हारी दीदी को बड़ी आसानी होगी, तो अभी तुम इसके साथ हेल्प करवाया करोगे। अब मसाला डालो जनाब अंदर। नहीं नहीं मसाला मसाला मैं मसाला कह रही हूँ। हाँ, ये एक पैकेट है ना, सारा डाल दो। चलो अब इसको भून लो। राफी राफी की तरफ देखे, ये चीनी के डिब्बे को लगा हुआ है। ओए दान दिखाना, इधर दिखा दे जरा, ये देख, ये अब इसको सारा ये भून लेते हैं इधर, मेहरान का बम्बई बिरयानी मसाला। अच्छा, थोड़ा हल्की कर दो। अच्छा, अब यकीन करें इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना कि 3-4 दिन हो गए, बहुत شدید गर्मी पड़ रही है। और हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, गर्मी तो पड़ रही है लेकिन जो लाइट बंद हो रही है ना, अभी भी आप देख रहे हैं कितनी स्वेटिंग हो रही है। लाइट जो बंद हो रही है, और तो भाई 1 घंटा आ रही है और 1 घंटा जा रही है, और इसलिए आज मेरी हिम्मत नहीं। ये दिखाएं आप सब आके, ये देखें आप सब, ठीक है। हाँ, अंदर इसको भून लो। भून लिया ऐसे करके, लो अभी मसाला डाला है तो कह रहा भून लिया, अभी मसाला डाला है कह रहा भून लिया। आँच ज़रा तेज़ करके ना इसको मसाले को भून लो ताकि कच्चा ना रहे। फ्राइडे को बिरयानी बनती है, तो फिर मैंने कहा भी चलो ठीक है, इतना मुश्किल काम भी नहीं है। वो कह रहा मम्मी मैं कर लूँगा। प्याज काट रहा था तब देखने वाला था इसकी जो हालत थी ना, कह रहा था मम्मी इसकी ना वीडियो बनाए, तो खैर बना रहा है। अब अंदर टमाटर डाल दो, ठीक, टमाटर का पेस्ट डाल दो। हाँ राफी तुम फिर ऐसे डाल दो सारा। हाँ हाँ, चम्मच के साथ सारा डाल दो। सब आज फिर मैं बिरयानी बना रहा हूँ। मैं तो मम्मी कह रहा हूँ मैं शेफ ही बन जाऊँ, और भी इतना बिरयानी पराठा चाहे तो मैं बना लेता हूँ, और भी बहुत सारी फ्राइज वगैरह बना लेता हूँ। हाँ, आज मैंने कहा चलो बिरयानी भी ट्राई कर लेते हैं, बर्गर तो बिल्कुल बस नॉर्मल, वो भी बना लेता हूँ। तो आज मैंने कहा कि आज बिरयानी भी ट्राई कर लेते हैं। मेरे एग्जाम होने वाले हैं, मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, FSC नॉन मेडिकल का, तो बस अब 12th जुलाई से मेरे शुरू हो रहे हैं एग्जाम। आप सब मेरे लिए दुआ करना कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं। बुरी हालत हो रही है, अब गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है। एक है मेरे पास सिंगल चूल्हा ना, बर्नर है, तो फिर मैं उसको बाहर रख लूंगी, क्योंकि अब आगे आगे जैसे ये सावन भादो आ रहे हैं ना, फिर तो बिल्कुल भी हम किचन में अपने खड़े नहीं हो सकते कि एक मिनट के अंदर ना कपड़े भीग जाएंगे, इतनी स्वेटिंग होगी कि नहीं खड़ा हुआ जाएगा। आप यकीन करें इस टाइम भी मुझे इस टाइम बहुत घबराहट हो रही है,
कि किचन में मेरा बिल्कुल आने को दिल नहीं कर रहा है। ये देखने लगा ठीक है क्या बिरयानी? हाँ हाँ ये इसका मसाला वगैरह। हाँ इधर दही पड़ा होगा वो डाल दो इसमें। सफाई बेटी ने की तो है लेकिन जाहिर है कि अभी बच्ची है नहीं इस तरह भी काम घर आता करना तो मुझे यानी मेरे हिसाब का नहीं हुआ ना। तो चलो मैंने कहा मैं वाइपर में कपड़ा डाल के ना एक बार सारे दोबारा लगा देती हूँ तो वो निशान काफ़ी लगे हुए हैं। सफाई अच्छी ना हो तो मज़ा नहीं आता है, घर भी साफ नहीं लगता है। तो मैंने कहा चले मैं ना वाइपर में कपड़ा डाल के, कपड़े वाइपर से वैसे सही लगते ही नहीं है, कपड़ा डाल के मैंने कहा लगा लेती हूँ। बस ऐसे दिल बैठे जा रहा है ना आज तो, गर्मी की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा और फैसलाबाद में तो हद होती है गर्मी की ना। लगा हुआ है बस एक बार मैं लगा लूँगी ना फिर ज़रा नीट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही कपड़ा लगता है लाफे नहीं हटता है, लाफे घूमता फिरता रहता है। जल्दी से अब लगा के हिम्मत नहीं होती है काम करने की, तबीयत हर ज़रा से भी ख़राब होती है। रात इनके डैडी की भी तबीयत ख़राब होगी, उनको भी चक्कर आने लग गए, गर्मी की वजह से ही है सारा। तो बस मैं भी रात को जाऊँगी मेडिसिन लेने, अभी भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग मुझे हो रही है और दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे पानी दो राफी, पीछे हो जो मैं कपड़ा लगा रही हूँ, ये हाल होता है। राफी नीचे नहीं उतरना, इसको आने ना देना इधर। राफी फिनाइल छोड़ दो, राफी फिनाइल छोड़ दो, बस चला जी। तो ये देखें आप सब, ये बिरयानी आज मैंने कर ली है तैयार। ये देखें, ये मैंने और मम्मी ने आज हम दोनों ने मिलके बिरयानी बनाई है। ये देखें कैसी लग रही है। बनाई तो है माशाल्लाह, थोड़ा सा दम ज्यादा आ गया लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, टेस्टी लग रही है, भर के भी डिश बहुत ज्यादा लाए है। रफी ये ब्रिंडो दो जरा, बिरयानी तो मेरे को चाहिए रोज दे दो, तो वो अभी नहीं, बोतल सब्र कर लो प्लीज। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ करना, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो अंजल के लिए दुआ करना कि अंजल बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाए, अभी भी कमरे में बैठे भी मुझे एक्साइटिंग हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन का ज़रूर प्रेस कर देना। मेरी तरफ से आप सब लोगों को जुमा मुबारक और अल्लाह हाफिज़।